के शासन स्तर से बहुत गंभीरता दिखाई गई थी और उसी क्रम में पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसमें बहुत मेहनत के साथ जुटा हुआ था और हम लोग कल रात से ही और सुबह से ही पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी की जा रही थी और जगह जगह इस चीज़ के लिए छापे डाले जा रहे थे। मेरे और डीएम साहब द्वारा जगह जगह जाकर निरीक्षण किया जा रहा था। बाकी भी जनपद के सभी अधिकारी का नाथ क्षेत्र में निकले हुए हैं और पूरी सघनता के साथ चेकिंग अभियान चल रहा था। बीच में कुछ ये खबर आई थी कि कहीं पेपर कोई लीक हुआ है सुल्तानपुर से, जिसको अभी हम दोनों ने वेरीफाई किया है और वो जो पेपर जिन्होंने ये भेजा गया था वो पेपर बिल्कुल ही उस पेपर से अलग है जो इस समय परीक्षा में आया है। तो इस चीज़ का पूर्ण रूप से खंडन किया जाता है कि कोई पेपर टीईटी का सुल्तानपुर से लीक हुआ है। पेपर बहुत अच्छे से, परीक्षा सुरक्षित रूप से हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षार्थी अपना परीक्षा को देके अपने अपने केंद्रों से वापस जा रहे हैं। साथ ही अगली हमारी जो पाली शुरू होगी वो 3 बजे से शुरू होगी, उसके लिए भी हमारे पास इंतजाम पुख्ता है। कहीं कोई पेपर लीक की कोई संभावना नहीं है और अगर इस तरह की कोई भी बात, अफवाह कोई भी सामने आती है तो उसका स्पष्ट रूप से खंडन किया जाता है और जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।